आज ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेशन में हम लोग चलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मॉनसून। ये टॉपिक आपका यूपीएससी प्लस जेपीएससी का बहुत ही मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी का पीटी प्लस मेंस एंड जेपीएससी का मेंस में तो एक टॉपिक ही है 40 मार्क्स। तो आज इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिर मॉनसून क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वितरण कैसे हो रहा है और ये हमारे भारत को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज आप लोगों से पूछा जाए ये क्या है, सोचिए और ज़रा बताइए कि ये क्या है। बिल्कुल सही, कोई 12 सोच रहे होंगे, कोई 13 सोच रहे हैं, कोई क्या 20 सोच रहा है। बिल्कुल सही है, आप लोग कोई गलत नहीं है। अरे वाह, किसी ने तो उल्टा 3 भी सोच लिया। आखिर ये है क्या? बिल्कुल इसके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानकारी ले रहे हैं, लेकिन यदि इसके आगे और इसके पीछे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो इसके बारे में हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये 13 है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे ए एंड सी लिख देते हैं उसका मतलब हुआ कि ये बी है। ओके, बिल्कुल उसी तरह से मॉनसून है। यदि हम बोलेंगे कि मॉनसून क्या है तो हम लोगों के जस्ट इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके आगे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, तब जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये मॉनसून क्या चीज़ है। और ये आपको प्रोवाइड करवाएगा सीडिंग सक्सेस क्लासेस। तो चलिए अब अपना मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये जो मॉनसून टॉपिक है इसका बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसका परिचय, इसका क्या महत्व है। अन्य तथ्य, और इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए हम लोग एक और टेक्निक अपनाएंगे, दक्षिणी दोलन। एक नंबर, सेकेंड नंबर ला नीना, थर्ड नंबर अल नीनो, फोर्थ नंबर वाकर चक्र। इस मॉनसून टॉपिक को समझने से पहले ये जो चारों टॉपिक है इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे ये मॉनसून का क्या प्रभाव होता है, उसका कैसे आगमन होता है, उसका कैसे निवर्तन होता है, वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दक्षिणी दोलन क्या है, ला नीना अल नीनो एंड वाकर चक्र ये क्या होता है। स्टार्ट करते हैं दक्षिणी दोलन से। दक्षिणी दोलन साउदर्न ऑसिलेशन। दोलन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों ने पहले घड़ी देखा होगा जो पुराने जमाने की घड़ी थी, पेंडुलम, एक पेंडुलम होता था और वो पेंडुलम अपना समय बताने के लिए एक बार इधर मुड़ आगे मूव करता था, एक बार पीछे मूव करता था,
यानी कि ये पेंडुलम अपना टू एंड फ्रो मोशन करता था। इस घटना को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज दोलन। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक वस्तु अपने आसपास में जब वो दोलित होती है तो वो दोलन कहलाता है। सबसे इसका एग्जांपल है पेंडुलम, लोलक वाली घड़ी, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, दक्षिणी दोलन का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली ये दक्षिणी दोलन का मतलब है कि जो हमारा पृथ्वी है ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 0 डिग्री इसके उत्तर साइड में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण साइड में दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध। ये जो हमारा दक्षिणी दोलन है ये मुख्यतः फोकस है इस पोर्शन में, यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध में। इसका आखिर इसका मॉनसून में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग इसको विस्तृत रूप में यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम विश्व को एक पूरा मानचित्र यहाँ पर अवलोकित करें तो देखिए, ये है हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये वाले पोर्शन 0 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है हमारा इंडिया। हम लोग चूंकि इंडिया का मॉनसून के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इसके आगे और इसके पीछे की घटनाओं को जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ का मॉनसून को पूरा तरीके से जान पाएंगे। इसीलिए हम लोग इस लोकेशन का अध्ययन करेंगे। ये जो लोकेशन है आपका एक्चुअली ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, ये आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ये, यानी कि इसको बोल सकते हैं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, या इसको सिंपल बोल सकते हैं इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे देखिए ये जो 0 डिग्री के आसपास का रेखा है, यहाँ से आपका ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा वाला पोर्शन हो गया आपका एशिया। ये जो साउथ अमेरिका का पोर्शन है यहाँ पे एक धारा बहती है ठंडी धारा, ठंडी धारा, ये ठंडी धारा आखिर करता क्या है? क्योंकि ये ठंडी धारा है, इसका जो गमन होता है, इसका जो प्रवाह होता है, ये पेरू तट से होते हुए आगे की ओर मुख करता है। इस मूव करते करते आपका जो साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन है यहाँ तक आता है। यहाँ पे आते टाइम एक होता है क्या, लो प्रेशर का जोन बनता है। लो प्रेशर का जोन क्यों बनता है भाई? क्योंकि यह ठंडी है, ठंडी धारा का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन है, हाई प्रेशर का जोन है। अब ये जो हाई प्रेशर का जोन है यहाँ पे लो प्रेशर का जोन है, तो हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि जो प्रेशर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
ठीक उसी उसी के वजह से इसका जो मूवमेंट हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट हो रहा है। अब इसका दक्षिणी दोलन से इसके साथ क्या संबंध है? चूँकि ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है यही जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से यहाँ का जो जल है वो भारी हो जाता है। देखे होंगे ना कि ठंडा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, लो प्रेशर है यहाँ पे गर्म जल है। जब ये सूरज है, जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ये आपका जो 0 डिग्री इक्वेटर है इसका जो जल है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद हल्की चीज़ें ऊपर उठती है, ये बिल्कुल धीरे धीरे देखिए ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रही है। एक समय ऐसा आता है ये संघनित होने लगता है, संघनित होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन करता है। क्लाउड फॉर्मेशन इसका मतलब हुआ कि ये जो लो प्रेशर का क्षेत्र अपनी गर्म आयु को लेके ऊपर उठ जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो गर्म जल है यहाँ पे जो जल है और यहाँ पे जल दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा, ये जो जल है धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका जल धीरे धीरे कम हो रहा है इसका लेवल, और इसका लेवल वैसा का वैसा ही है। जैसे यहाँ पे जल इसका कम होगा तो ऑब्वियसली है कि प्रेशर हाई टू लो जाएगा। समझने के लिए देखिए, इसका जो जल है एक सामान्यतः जल का लेवल इस प्रकार है, लेकिन गर्म जल का ऊपर की ओर प्रवाह होने के कारण जल स्तर सपोज यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ तो अभी जल उसी प्रकार का है, यानी कि यहाँ पे जल वो है। तो देखिए एक स्लोप ढाल बन रहा है। इसी प्रकार वैसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सूरज दक्षिण दिशा की ओर यानी कि दक्षिणायन होता है, तो ये जो प्रक्रिया बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है। यानी कि ये जो क्रिया थी आपका जस्ट इसका रिवर्स, अब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट होने लगता है, और इस जो लो प्रेशर का जोन है यहाँ पे जल ऊपर जाने लगता है, जल वाष्प बनकर, और इसका जल स्तर नीचे हो जाने लगता है। और इस जो पोर्शन है यहाँ का जो जल है वो अप डाउन बिल्कुल उसी तरह के होता है जिस तरह प्रकार एक लोलक का घड़ी में बताए थे। तो ये अप डाउन जो जल की होने की प्रक्रिया है वो दक्षिणी दोलन के नाम से जनरली जाना जाता है। चलिए इसको समझाने के लिए एक तरीका और अपनाते हैं। सपोज कर लीजिए ये मेरा बायां पोर्शन ये है साउथ अमेरिका के पास, ठीक है, ये दायां पोर्शन हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन, ठीक है, ये मेरा दोनों हाथ जल लेवल है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो सूरज के कारण यहाँ का पानी गर्म हो रहा है, यहाँ का पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो क्या हो गया, जल का स्तर नीचे आ रहा है। देखिए जल का स्तर नीचे आ रहा है, यानी कि क्या हुआ कि जल का जो लेवल था डाउन हो गया। अब जब इसका रिवर्स की प्रक्रिया होगा तो नॉर्मल से इधर का जल वाष्प बन के ऊपर उठेगा, यानी कि यहाँ का जल का लेवल कम होगा। तो देखिए एक बार इधर कम हो रहा है, इस साइड भी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऑसिलेशन की तरह अप डाउन हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड साउथ ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन ये कहा जाता है। अब इसका प्रभाव भी मानसून पे थोड़ा ना बहुत पड़ता ही है, क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन है और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जब यहाँ पे दक्षिणी दोलन की प्रक्रिया चालू होती है तो इससे आने वाली जो पवनें हैं जो अपने साथ आर्द्रता लाती है वो कहीं ना कहीं आके इक्वेटर को पार करते हुए आपका जो भारत है भारत को भी प्रभावित करती है। चूँकि हम लोग यहाँ पे भारत का अध्ययन कर रहे हैं मानसून का, इसी के वजह से इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग जान लिए। अब ये देखते हैं कि साउदर्न ऑसिलेशन, एक फ्रेश इसका फिगर बनाते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए दक्षिणी दोलन में मैंने बोला हाई प्रेशर का जोन है, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन गया, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर ऊपर उठ गया, इसका मूवमेंट हुआ,
ये हो गया साउदर्न ऑसिलेशन के कारण जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका कहलाया वाकर चक्र। वॉकर साइकिल। अब जस्ट इसके रिवर्स प्रक्रिया में जब यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा तब क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट हो जाएगा। यानी कि वाकर चक्र जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था अब वो इसका दिशा उलट गया है। ठीक है, ये हो गया आपका व्युत्क्रम वॉकर चक्र। सिंपल लैंग्वेज में व्युत्क्रम वॉकर चक्र। अब देखते हैं कि मानसून का इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। यह है हमारा इंडिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये है मेरा 0 डिग्री लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। अब ये जो पोर्शन है, अब देखिए जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर हो, सन उत्तर में यानी कि उत्तरायण हो, उस स्थिति में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है पृथ्वी भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो आपका ये जो हिमालय वाली पोर्शन है ये सूर्य को बहुत ज्यादा ग्रहण करता है, जिसके वजह से यहां पे लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन यानी कि निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक इसके विपरीत दिशा में यानी कि 0 डिग्री के नीचे साइड दक्षिण की तरफ सूर्य के प्रकाश कम पड़ रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पोर्शन में, साउथ ईस्ट एशिया के पोर्शन में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, एक्सेस हाई प्रेशर, और 0 डिग्री लो प्रेशर। अब क्या होगा, ये जो दक्षिणी दोलन के कारण यानी कि वोकर चक्र के कारण प्लस हाई प्रेशर उपस्थित होने के कारण यहां से जो आने वाली जल का प्रवाह है विषुवत रेखा की ओर मुड़ती है, विषुवत रेखा की ओर मुड़ती है। अब क्यों मुड़ती है, क्यों, इसका जवाब हम लोग यहां पे करेंगे। कारण मुड़ने का क्या कारण है, पहला तो इसका सर्वप्रमुख कारण है कोरियोलिस बल, दूसरा प्रभाव है ये जो लो प्रेशर का जोन है यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र, ये इसके लिए एक आकर्षण का काम करता है, आकर्षण बिंदु का काम करता है। हिमालय क्षेत्र या
उप महाद्वीप, आकर्षण का काम करता है। इसी के वजह से आने वाली पवनों का जो प्रवाह है विषुवत रेखा की ओर मुड़ते हुए भारत की ओर प्रवेश करता है। जैसे ही ये भारत की ओर प्रवेश करता है, तो चूंकि भारत की भू आकृतिक व्यवस्था इसका जो फिजिकल फीचर्स के वजह से ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक अरब शाखा की ओर, एक बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, ये जो अरब की शाखा है इस पश्चिमी तट होते हुए, ये हो गया मेरा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट की ओर होते हुए आगे बढ़ते रहता है। यदि समय की बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग जून, 1 जून के आसपास केरल का जो तट है आके हल्की फुल्की बारिश करवाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पवने इधर से आ रही है अपने साथ आर्द्रता भी ला रही है, आर्द्रता लाने के साथ यहाँ पे हल्का सा प्रवेश करती है। इसी के वजह से इसको बोला जाता है कि यहाँ पे मानसून का आगमन हो रहा है। अब ये जो मानसून का आगमन हुआ, अब यहाँ पे देखिए भारत की जो फिजिकल फीचर्स है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे है आपका अरावली माउंटेन, हो गया विंध्या, सतपुड़ा, अरावली। ये जो अरब की शाखा वाली मानसून है पश्चिमी तट की ओर होते हुए प्रवेश करती है, अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहाँ से मूव करते हुए हल्का फुल्का बारिश करवाती है। अधिकतर बारिश आपका पश्चिमी तट के ही आसपास हो जाता है, पश्चिमी तट का पश्चिमी किनारा में। और जो यहाँ पे पश्चिमी तट है इसका पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो जोन। क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, बारिश यहाँ पे नहीं हो पाने का कारण है, एक एग्जांपल देख लीजिए। ये है मान लीजिए मेरा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, ये अरब सागर की शाखा आने वाली जो मानसून है, मानसून पवने हैं, आते हुए पर्वत पे टकराती है, संघनन करते हुए यहाँ पे वर्षा करवाती है और यहाँ से निकल जाती है। चूँकि ये पवन के बारिश के अभिमुख नहीं है, उसके जस्ट विपरीत में है, बारिश का यहाँ पे अभाव हो जाता है, सूखा या बोले तो आर्द्रता कम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इसके जो पवन अभिमुख ढाल है यानी कि पवन की ओर आने वाली ढाल में, यहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन इसका विमुख ढाल यानी कि उसके विपरीत ढाल में वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। ये हो गया आपका मेरा वृष्टि छाया क्षेत्र। और ये जो सेकेंड शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, अब ये देखिए ये तो अपना मूव करते रहती है इस तट के सहारे, आगे बढ़ रही है आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ का जो हिमालय का पर्वतमाला का विस्तार, मिसमी पटकाई बूम मिजो नागा हिल होते हुए म्यांमार का अराकान योमा होते हुए आगे चला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, अब ये जो शाखा आ रही है बंगाल की शाखा ये यहाँ से मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय का जो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं ये इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसके वजह से ये मुड़ जाती है, मुड़ते हुए हल्की फुल्की यहाँ पे बारिश करवाती है। ये हो गया मेरा बंगाल की शाखा, ये अरब शाखा मानसून का। अब इसका एक और प्रभाव पड़ता है, मानसून को प्रभाव करने के लिए यहाँ पे देखेगा यदि तो इसके पश्चिमी साइड में आपका यहाँ पे मेडिटेरियन सी है,
मेडिटेरियन सी, अफ्रीका वाली जो पोर्शन है ना। ये मेरा अफ्रीका, ये मेडिटेरियन सी। यहाँ से यदि नॉर्मल बात करें तो एक पछुआ जेट होता है, पछुआ जेट। पछुआ जेट एवं पूर्वी जेट, पछुआ जेट को वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। और ये हो गया ईस्टर्न जेट। पश्चिमी विक्षोभ, ईस्टर्न जेट। अब देखते हैं कि पछुआ पवन, पछुआ जेट और पूर्वी जेट का इस मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये नॉर्मल के दिनों में जीरो डिग्री है। ये पछुआ पवने साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पूरा पृथ्वी है, ये इक्वेटर, ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। पछुआ पवने नॉर्मली यहाँ पे 30 से 35 डिग्री के बीच मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की दिशा में। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट से ईस्ट की दिशा में इसका ये जब मूव करता है तो हमारा जो भारत है इस जगह पे उपस्थित है। ये पश्चिमी विक्षोभ यानी कि पछुआ जेट का प्रभाव भी हमारे भारतीय मानसून पर पड़ता है। और कैसे, अब इस यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के देखेंगे। ये है हमारा पछुआ विक्षोभ का, देखा जाए तो मेडिटेरियन क्षेत्र में एक लो जोन, निम्न गर्त का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो निम्न गर्त का क्षेत्र है, ये पछुआ पवने जो चल रही है नॉर्मल दिनों में, देखिए ये पछुआ पवने चल रही है नॉर्मल दिनों में, इसका डायरेक्शन इस दिशा में है। जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो इसका जो शिफ्ट शिफ्ट है 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 5 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर शिफ्ट होता है। उत्तरायण की दिशा में देखेंगे तो ये जो पश्चिमी पवन है नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट देखिए इसका पश्चिमी विक्षोभ का, ये यहाँ से जब गुजरती है तो मेडिटेरियन सी के ऊपर अवस्थित जो निम्न गर्त का क्षेत्र है ये यहाँ से अपने साथ इसको भी लेके आती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो मेडिटेरियन क्षेत्र है यहाँ पे वाष्प के रूप में ऊपर की ओर इसका प्रवाह होता है, और ये जब यहाँ से मूव करता है पश्चिमी पवने पछुआ जेट तो इसके मार्ग में आने वाले को भी साथ में ले जाता है। ये है मेरा निम्न गर्त। अब जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करता है तो भारत का जो हिमालय है इसकी ऊंचाई अधिकतम होने के कारण पछुआ जेट का दो भागों में विभाजन हो जाता है, यानी कि ये हिमालय एक अवरोध के रूप में काम करता है, एक चला गया तिब्बत की ओर, दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तिब्बत की ओर
और दूसरा हिमालय के दक्षिणी भाग में, एक तिब्बत की ओर और दूसरा हिमालय के दक्षिणी भाग में। अब ये जो निम्न गर्त है, हिमालय की अधिकतम ऊंचाई के कारण यहाँ पे हिमपात करवाता है, हिमपात स्नोफॉल। ये हिमालय पर्वतमाला में हिमफॉल हिमपात और बारिश करवाता है। ये यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि ये आगे भी मुड़ता जाता है जब तक इसको पूरा अवरोध नहीं मिल पाता। ये आगे बढ़ते हुए आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी है यहाँ तक बढ़ता है, यहाँ आते हुए बारिश करवाते हैं, नॉर्थ ईस्ट बारिश इस जगह पे। और ये जो पछुआ जेट की जो दक्षिणी शाखा है हिमालय के दक्षिण की ओर, यहाँ पे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, इस जगह पे बारिश करवाती है। ये हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ जेट का प्रभाव हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पे कैसे पड़ता है। अब देखते हैं कि पूर्वी जेट, इसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पे कैसे पड़ता है और उसे मानसून पे क्या डिस्टर्बेंस होता है वो जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण शिफ्ट हो जा रहा है। उत्तरायण में जब यहाँ पे सूर्य उत्तर की ओर होता है अधिकतर यहाँ पे गर्म हो जाती है, वैसे ही एक स्थिति है। ये जो तिब्बत का यहाँ पे पठार है, तिब्बत ये पठार अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ से वायु ऊपर आ रही है, ऊपर आने के फलस्वरूप थोड़ी सी दूरी गमन करने के बाद वो संघनित होने लगती है। संघनन के फलस्वरूप हल्की फुल्की बारिश करवाती है। ये यहीं पे नहीं रुकती है, ये जो पश्चिमी जेट की प्रवाह आ रही है पश्चिमा विक्षोभ के कारण, ये इसको आगे की ओर धकेलने की भी कोशिश करती है। तब जाके ये जो तिब्बत से आने वाली पवन है, इसका दक्षिणी शाखा, इसका सॉरी दाहिना शाखा ये बायां शाखा, ये जो दाहिना शाखा है आगे की ओर बढ़ने लगता है, बढ़ते हुए लो प्रेशर जोन की ओर मूवमेंट करता है। क्योंकि ये तिब्बत गर्म का क्षेत्र है, गर्म हो रहा है, ये लो प्रेशर का जोन हो गया है, यानी कि ये किसी भी तरह से कोशिश करता है कि आके लो प्रेशर जोन में आके प्रवेश करे। लेकिन यहाँ पे जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो उसको आने में अवरोध पैदा करती है, जिसके फलस्वरूप ये आने वाली जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से मुड़ जाती है। मुड़ने के फलस्वरूप बीच में कुछ घटनाएं घटित होती है। ये जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाली पोर्शन है, यहाँ से वो भी कुछ निम्न गर्त वाली आर्द्रता को ग्रहण करती है। जिस प्रकार से यहाँ से मेडिटेरियन सी से ग्रहण किया था, यहाँ से बंगाल के खाड़ी से ये निम्न प्रेशर का जोन बन जाता है, यहाँ से वो आर्द्रता ग्रहण करता है। यह आर्द्रता ग्रहण करने के फलस्वरूप आगे जाते हुए इस भाग में बारिश करवाता है, यानी कि ये जो प्रवाह है इसका नाम है पूर्वी जेट। वे था मेरा भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी जेट के कारण होने वाले प्रभाव।
अब इतनी सारी प्रक्रियाओं को समझने के बाद हम लोग जहाँ से शुरू किए थे उस टॉपिक पे आते हैं। मॉनसून क्या है, इसका महत्व, मॉनसून के सिद्धांत। आखिर ये मॉनसून है क्या? मॉनसून जो बना है अरेबियन शब्द, मौसम, अरेबियन शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है पवन का ऋतुवत परिवर्तन, पवनों का ऋतुवत परिवर्तन। अरबी का शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों का ऋतुवत परिवर्तन। इस मॉनसून का क्या महत्व है? मॉनसून के महत्व है, सबसे पहले ये है कि हमारी जो भारत है, भारत की कृषि, भारतीय कृषि 60-70% मॉनसून पर निर्भर है, मॉनसून पर ही निर्भर है, मॉनसून पर निर्भर है। यहाँ तक कि जो बजट है, बिल्कुल वही बजट जिसको कि फिनांस मिनिस्टर लॉन्च करते हैं, बजट को भारतीय मानसून का जुआ बोला जाता है। भारतीय मॉनसून का जुआ, गेम्बल ऑफ इंडियन मॉनसून। ठीक है, अब मॉनसून का क्या सिद्धांत है? इस मॉनसून को सिद्धांत का ये मुख्यतः दो सिद्धांत पे बेस्ड है। वो कौन कौन से दो सिद्धांत हैं? एक है शीतकालीन दशा में क्या है इसका, एक ग्रीष्मकालीन दशा। हम लोग ग्रीष्मकालीन दशा को देखने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्म कालीन दशा, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये 0 डिग्री है इंडिया। अब एक ये ग्रीष्मकालीन और यहाँ पे शीतकालीन। जीरो डिग्री ये है ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन में क्या होता है। ग्रीष्मकालीन में सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण मुख्यतः तीन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दो से तीन इफेक्ट। पहला कि दाब की स्थिति क्या है, दाबीय स्थिति। दूसरा कि
पवन, प्रवाह, विन्यास। पवन प्रवाह विन्यास कहने का तात्पर्य है कि पवन का आगमन कहाँ से हो रहा है और उसका, यानी कि उसका सोर्स क्या है, उसका सिंक क्या है, सोर्स एंड सिंक। सोर्स उस स्थान को बोलते हैं जहाँ से पवन चलना शुरू करता है, और सिंक उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे पवन जाके मिल जाती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये हिमालय का क्षेत्र, यहाँ पे एक्सेस लो प्रेशर का जोन, विषुवत रेखा पे लो प्रेशर का जोन और ऑस्ट्रेलिया पे एक्सेस हाई प्रेशर, EHP, एक्सेस हाई प्रेशर का जोन बनता है। क्यों? अब देखिए, इसके वजह से, क्योंकि सूर्य उत्तर दिशा की ओर है और ये ऑस्ट्रेलिया दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो सूर्य का मैक्सिमम किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और हिमालय का ऊंचाई अधिक होने के कारण ये सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है और यहाँ पे इसका अधिकतम एक्सेस लो प्रेशर का जोन उत्पन्न होता है। आप पुराना बात को याद कीजिएगा कि मैंने जो वॉकर चक्र बताया था, दक्षिणी दोलन बताया था, अब वहाँ पे इसका क्या एप्लीकेशन है। दक्षिणी दोलन के प्रवाह के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ से आने वाली पवने ऑस्ट्रेलिया की ओर, जो कि हाई प्रेशर का क्षेत्र है, वो आने का कोशिश करती है। जैसे ही वो कोशिश करती है, तो मैंने पहले क्या बताया था कि कोई भी प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर उसका गमन होता है। तो जैसे हाई प्रेशर एक्सेस हाई प्रेशर है, वो तो लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करने का कोशिश करता है, लो प्रेशर की ओर, यानी कि विषुवत रेखा को देखिए क्रॉस कर रहा है, विषुवत रेखा को क्रॉस कर लिया। और ये जो एक्सेस लो प्रेशर है, इस आने वाली पवनों को अपनी ओर आकर्षण का काम करता है। देखिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका सोर्स हो गया, सोर्स सिंक कहाँ हो गया, हिमालय क्षेत्र। अब जस्ट इसको कंपैरिजन करते हैं शीतकालीन दशा में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। शीतकालीन दशा का मतलब हो गया कि जो मेरा भारत का क्षेत्र है, यानी उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है, वो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र, जो भारत का पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र, एक्सेस हाई प्रेशर बन जाएगा, यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट में। और जो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सेस लो प्रेशर का जोन बन जाएगा, और जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, वहाँ पे तो लो प्रेशर का ही जोन रहेगा। अब देखिए, जब शीतकालीन दशा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शीतकालीन दशा में भी प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने की कोशिश करती है। ये जो एक्सेस हाई प्रेशर है, लो प्रेशर की ओर आने की कोशिश करेगी, और धीरे धीरे एक्सेस लो प्रेशर की ओर, यानी कि शीतकालीन दशा में दाबीय स्थिति क्या है, प्रवाह विन्यास क्या है, पवन प्रवाह विन्यास क्या है और का सोर्स और सिंक क्या है। दाबीय स्थिति में देखिए, दाबीय स्थिति में हिमालय का क्षेत्र अत्यधिक लो प्रेशर, विषुवत रेखा का क्षेत्र लो प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र के पास एक्सेस लो प्रेशर, यानी कि पवन प्रवाह का जो विन्यास है वो एक्सेस हाई प्रेशर से शुरू होगा, धीरे धीरे प्रवेश करते हुए लो प्रेशर और फिर एक्सेस लो प्रेशर में आके मिल जाएगा। अब इस जो ग्रीष्मकालीन दशा और शीतकालीन दशा पे है, यहाँ पे देखते हैं कि मॉनसून का अब इफेक्ट क्या पड़ता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रीष्मकालीन दशा में जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो पवन आ रही है, ये एक्चुअली ट्रेड विंड होता है, ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवन,
व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। ये आखिर व्यापारिक पवन होती क्या है? देखिए, ये मेरा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। व्यापारिक पवने जो हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में प्रवाहित होती है। इसकी जो दिशा है इस दिशा में है। चूंकि यहां पे ध्यान देने वाली बात है, नोट कि जो मॉनसून की दिशा है नॉर्मन दिशा से इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी कि जब हम मॉनसून की बात करेंगे तो पवन की दिशा, पवन की जो दिशा होगी उसके गमन के विपरीत वाली दिशा होगी। इसका कहने का मतलब है कि यदि मॉनसून है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यदि नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो कोई भी एक, यहाँ से मान लीजिए पवन का प्रवाह है, तो हम इसको सिंपल बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि कोई भी पवन इस दिशा में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव कर रहा है। लेकिन यदि वो मानसून की बात आएगी तो वो उसका गमन की दिशा में नहीं बल्कि विपरीत वाली दिशा, यानी कि विपरीत वाली दिशा क्या हो गया, ये वाला। यानी कि यदि भी कोई भी पवन इस दिशा में मूव करेगा मानसून की, तो उसको बोलेंगे क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, अपोजिट में जस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में कोई भी पवन मूव कर रही है तो मानसून की दिशा में क्या बोलेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाला, साउथ ईस्ट मानसून। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड का दिशा देखिए ये वाली है, यानी कि ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये वाली जो दिशा है साउथ वेस्ट, ठीक। अब इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करते हैं ट्रेड विंड का। ये जो आने वाली पवने हैं, ऑस्ट्रेलिया मेरा यहाँ पे उपस्थित है, देखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन इस जगह पे है। ये जो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से आने वाली पवने इस दिशा की ओर मूव करती है। जैसे ही 0 डिग्री को पार की, इसकी दिशा क्या हो गई, देखिए यहाँ पे मिलाइए, दिशा तो चुकी है ये, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग मॉनसून का अध्ययन कर रहे हैं तो मॉनसून के अध्ययन में क्या हो जाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट दिशा, यानी कि ये हो गया साउथ वेस्ट, इस साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक इसके जस्ट विपरीत शीतकालीन दिशा में एक्सेस हाई प्रेशर और एक्सेस लो प्रेशर के बीच जब पवनों का प्रवाह होता है तो कोरियोलिसिस बल के कारण, प्लस ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया एक सिंक का काम करता है और एक्सेस हाई प्रेशर सोर्स का काम करता है, तो यहाँ से आने वाले पवने का आवागमन होते हुए लो प्रेशर जोन विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे यदि हम कोशिश करें कि ये पवने आखिर यहाँ पे मुड़ क्यों जाती है, आगे क्यों नहीं बढ़ती है, तो इसका कारण है वो कोरियोलिसिस बल के कारण, ठीक है। तो ये जो पवने आ रही है इसको बोलते हैं आती हुई मानसून, ऑनसेट मानसून। और ये जो वापस आ रही है पवने इसको बोलते हैं लौटती हुई मानसून, लौटती हुई मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, आती हुई मॉनसून और ये लौटती हुई मॉनसून। अब ये जो आती हुई मॉनसून है और ये लौटती हुई मॉनसून, इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। मॉनसून
मॉनसून काल, मॉनसून पूर्व काल और मॉनसून बाद का काल। ये जो मॉनसून का काल है वो 1 जून से लेके 15 सितंबर के आसपास लगभग रहता है। मॉनसून के बाद का काल 15 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक। इसके पहले का काल यानी कि मॉनसून पूर्व काल, प्री मॉनसून, ये पोस्ट मॉनसून। प्री मॉनसून का जो काल है वो हो गया आपका मार्च, अप्रैल एंड मई का मंथ। इस मॉनसून के पीरियड में जो भी घटनाएं होती हैं हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब मॉनसून के पहले वो कौन सी दशा उत्पन्न होती है, वो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके वजह से मॉनसून का आना तय हो जाता है, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अध्ययन करेंगे, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्लस जेपीएससी का पीटी के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। तो मॉनसून का पूर्व काल में क्या होता है? मैंगो सोवर, आम्रवृष्टि, काल वैसाखी, लू, ये सारी क्रियाएं प्री मॉनसून का काल है। अब देखते हैं कि ये आखिर मॉनसून सोवर क्या होता है, काल वैसाखी क्या होता है, लू क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से मॉनसून के बाद वाली काल, मॉनसून के बाद वाली काल में क्या होता है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के आसपास जब मॉनसून वापस लौटती है तो उसमें अक्टूबर के आसपास आर्द्रता बनी हुई रहती है। आर्द्रता बनी हुई होने के कारण चिपचिपा मौसम होता है, चिपचिपा मौसम। और इस चिपचिपा मौसम होने के कारण उमस भरा टाइम होता है अक्टूबर के आसपास, इसीलिए इसका नाम हो गया है उष्म, अक्टूबर की उष्मा, अक्टूबर की उष्मा। ये जेपीएससी पीटी में एक बार पूछ चुका था कि अक्टूबर की उष्मा से क्या तात्पर्य है। इसका संबंध पूर्व मॉनसून पूर्व काल से है कि मॉनसून काल से, या मॉनसून के बाद के काल से? ऑब्वियसली मॉनसून के बाद का काल से है अक्टूबर की उष्मा का संबंध। ये ठीक उसी प्रकार से मैंगो सोवर। अब देखते हैं कि मैंगो सोवर होता क्या है। क्योंकि जो मॉनसून के पहले का काल है वो मॉनसून के पहले के काल में जो पछुआ पवने बनाए थे पृथ्वी भारत के पास आने वाली सम्मुख पवने, ये ऐसा पवन होती है जो आम के फसलों को पकने में बहुत ही मदद करती है, आम के फसलों को पकने में मदद करती है। इसके वजह से इसको बोला जाता है मैंगो शावर, जो कि प्री मॉनसून काल का घटना है। एक उसी प्रकार से काल वैसाखी जो है, काल वैसाखी धूल भरी आंधी होती है, धूल भरी आंधी, डस्ट पार्टिकल। ये जो बैसाखी है अप्रैल के महीना में, खासकर अप्रैल मई का महीना में बोला जाता है बैसाखी, धूल भरी आंधी चलती है उसको काल वैसाखी बोला जाता है।
और ये जो लू है, लू, ये भी गर्मी के मौसम में, गर्मी में प्लस धूल भरी आंधी भी होती है, धूल भरी आंधी होती है। और ये जो लू पड़ता है, लू के पड़ने के कारण इसके जो डस्ट पार्टिकल है वायुमंडल में जमा हो जाते हैं। वायुमंडल में जमा हो जाने के कारण जो सूर्य की आने वाली किरणें हैं उसको कुछ हद तक रोक देता है। और जब देखेंगे कि जो गर्मी का मौसम है, अब सूर्य की किरणें कम पड़ रही है यहाँ पे पृथ्वी अर्थ पर, तो क्या हुआ, थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। हालांकि तो धूल भरी आंधी होगी, गर्मी पड़ेगा, लेकिन हल्का सुकून महसूस होगा। ये हो गया आपका लू। और ये जो घटनाएं हैं आपका, जो जैसा कि इसके पहले बताए थे, ला लीना, एलिनो, सब इसके इसी बीच के काल में होने वाली घटनाएं हैं, मानसून के काल में होने वाली घटनाएं हैं। ये जो पूरा टॉपिक है आपका भी इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्लस जेपीएससी मेंस। ये सारी प्रक्रियाएं मॉनसून को लेके विस्तृत विवरण दिया गया है। अब यहाँ पे देख लेते कि मॉनसून के काल में क्या घटनाएं उत्पन्न होती है। मॉनसून के काल में जब आती ही मॉनसून है साउथ वेस्ट मानसून, जैसा कि पहले बताया था, अरब सागर की ओर, बंगाल की शाखा की ओर, 1 जून को केरल के तट पर फिर प्रवेश करते हुए अरावली से हो पार कर जाती है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में वर्षा करवाती है आती हुई मानसून में। और ये जो लौटने वाली मानसून है, ये जब वापस लौटती है, देखिए लौटती हुई मानसून प्लस कुछ जेट जो पूर्वी जेट वाली है, लौटती हुई मानसून केरल नहीं, तमिलनाडु का क्षेत्र में वर्षा करवाती है। देखिए शीतकालीन दशा में वर्षा हो रही है, कहाँ पे, कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र, ये जो है ना कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, यहाँ पे बारिश होती है लौटती हुई मानसून से, लौटती हुई मानसून से, ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोरोमंडल तट में लौटती हुई मानसून से बारिश होती है, ले जबकि केरल में आने वाली मानसून से वर्षा होती है। ये जो पूरा डिस्कशन था मानसून टॉपिक को लेके था, है ना, इसी तरह की आगे का टॉपिक जितना भी है विश्लेषित किया जाएगा सीडिंग सक्सेस क्लासेस में। और आप लोग हैं सीडिंग सक्सेस को ज्वाइन कीजिए, इसका जो आपका कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऑथेंटिक रूप में, ठीक इसी प्रकार स्टेप टू स्टेप विश्लेषण किया जाएगा। एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, जो यूपीएससी और जेपीएससी का एस्पिरेंट हमेशा उसका कोशिश होता है कहाँ जाने का, लवासना। भाई ये लवासना क्या चीज़ है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जहाँ पे ट्रेनिंग होता है यूपीएससी का, ठीक है। अब यूपीएससी से जो प्रिपरेशन स्टूडेंट लोग करते हैं वो तो जमीन स्तर पर होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब जो भी स्टूडेंट, ये देखिए ये है स्टूडेंट लोग हैं, इनका लक्ष्य है यहाँ से लेके लवासना तक जाने का। आखिर ये वहाँ पे पहुँचे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो उड़ के जाए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है स्टेप बाय स्टेप जाए, ठीक है, उड़ते हुए जाए, स्टेप बाय स्टेप जाए, स्टेप बाय स्टेप जाए। एक और है जादू, अभी कलयुग में तो जादू पॉसिबल है नहीं, उड़ते हुए पॉसिबल है नहीं, बच गया क्या, स्टेप बाय स्टेप। इस स्टेप बाय स्टेप से जाने के लिए सीडिंग सक्सेस बहुत मदद करेगा, हर एक सब्जेक्ट में आपका मदद करेगा। आपका इस स्टेप बाय स्टेप में स्टेप 1, 2, 3, 4,
फोर से होते हुए आपको लवासना तक पक्का पहुंचाएगा। इसीलिए आपको यदि लवासना तक पहुंचना है, स्टडिंग सक्सेस क्लासेस में आइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।